सभी को सादर नमस्कार। मैं प्रियंका सिंगल एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक नई टेक्नोलॉजी लेकर। साथियों, जिस तरह का ये आई कार्ड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस आई कार्ड को हम स्वयं कैसे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ मोबाइल से। आइए इस वीडियो में जानेंगे इसी चीज़ को। तो इस ऐसे आई कार्ड को तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा एक ऐप जिसका नाम है पिक्सल लैब। हम प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करेंगे पिक्सल लैब, PIXEL लैब। ये टाइप करने के बाद ये देखिए, सबसे पहला जो आपको ये ऐप का सिंबल दिख रहा है ब्लू कलर में, इसी को हम इंस्टॉल करेंगे। मैंने क्योंकि इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हम इसको इंस्टॉल करने के बाद अब अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। आइए अब इसे खोलते हैं और देखते हैं किस तरह से ये ऐप हमें हेल्प करता है। जब हम इसे खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमें बैकग्राउंड दे रखा है, इस बैकग्राउंड को हमें, अगर हमें इसका जो भी कलर रखना है वो कलर हम इसका सेलेक्ट कर लेंगे। कर दिया मैंने इसका कलर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो न्यू टेक्स्ट आ रहा है इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। हमें लगाना है यहाँ पर बच्चे का फ़ोटो, तो हमने यहाँ पर फ्रॉम गैलरीज में जाएंगे हम और फोटो, हाँ देखते हैं ये फ़ोटो है मेरे पास। अब इस फोटो को मैंने ले लिया। अब यहाँ पर हमें इसे पहले सेलेक्ट करना है कि हमें किस साइज़ में ये चाहिए। हम इसे यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। ये बन गया इस बच्चे का फ़ोटो, ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको ड्रैग करके हम यहाँ ले आए। अब इसको हम स्क्वायर शेप में भी लगा सकते हैं, और अगर हम इसे इसको क्रॉप करना चाहते हैं, इतने साइज आ रहे हैं ये, इन सब में हम इसे क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे सर्कल शेप में भी क्रॉप कर पाएंगे। अरे आपको ये हमारा बच्चे का फ़ोटो आ गया। अब हमें ये हो गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ऊपर स्कूल का नाम लिखना है, तो शेप लेंगे एक, और इस शेप को हम ले गए ऊपर, इसको हमने रेक्टेंगल में कर दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है, तो हम लिखेंगे, एडिट पर जाएंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे, इसको इसके अंदर ले आएंगे और यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे जो भी हमें जो भी स्कूल का नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर लिखती हूँ हिंदी में प्राथमिक विद्यालय गोयना, और हमने साथ में लिख दिया हापुड़, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया क्योंकि वाइट कलर में है तो दिख नहीं रहा है। अब इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे कलर। ये देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पर, इससे कलर ऐड कर लेंगे, कोई सा भी कलर हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। ये हमने राइट कर दिया। अब हम इसमें इसका अगर बाउंड्री बनाना चाहें तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, स्ट्रोक इस इनेबल कर देंगे, ये स्ट्रोक आ गया, ठीक है, यानी इसकी बाउंड्री बन गई है। अब हमें ये जो पीछे इसका कलर दिख रहा है, इसको भी अगर हमें कलर देना है तो अब ये देखिए हमने इसका इस तरह कलर दे दिया है, चेंज कर सकते हैं। ये ब्लैक रेड नहीं अच्छा लग रहा है तो हम और कोई भी कलर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया येलो कलर, येलो भी नहीं अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ, ऑरेंज भी नहीं अच्छा लग रहा है हमें तो हम कोई और कलर सेलेक्ट करके देखते हैं। येलो, हाँ येलो ठीक लग रहा है। इसका भी हम जो है स्ट्रोक दे सकते हैं, इसको भी ये देखे इनेबल कर दिया तो इसका भी आ गया स्ट्रोक, और इसको हम स्ट्रोक का भी साइज़ बढ़ा सकते हैं, ये जितना हम बढ़ाना चाहें।
और चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा हो गया प्राथमिक विद्यालय गोयना हापुड़। ठीक है, अब इसमें हमें मान लो अपने बेसिक विभाग की इमेज लगानी है, तो हम गैलरी में गए और ये जो मैंने डाउनलोड कर रखी थी पहले से ही इमेज, इस इमेज को सेलेक्ट किया और इस इमेज को मैंने यहाँ पर लगा दिया। या तो हम इसे पूरे पे भी ऐसे लगा सकते हैं और इसका कलर जो है वो लाइट कर सकते हैं। ये और लाइट, ये देखिए, ये हमारा ये पूरा ही आई कार्ड पे ऐसा आ सकता है, बिल्कुल वाटर पार्क जैसा। या फिर अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो हम इसको साइज़ छोटा करके हम इसे यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये लग गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें सर्व शिक्षा अभियान का भी लोगो लगाना चाहते हैं, तो ये भी मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसको भी हमने सेलेक्ट किया और अपना साइज़ चेंज किया और इसको हम यहाँ हमने लगा दिया। ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी हम अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार इसको सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको कर दिया है। अब हमारा जो बचा है इसमें लिखने का मैटर बचा है, अभी आपने आई कार्ड भी नहीं लिखा है, तो हम दोबारा से टेक्स्ट करेंगे, इस फोटो को थोड़ा नीचे ले जाएंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ऐसे यहाँ रखेंगे। अब हम इसमें लिखेंगे आईडी कार्ड, आई या पहचान पत्र हिंदी में लिखना है तो हम लिखेंगे पहचान पत्र। ठीक है, इसका फिर से वही हम कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। कलर हमने इसका दे दिया रेड और फिर से हमने इसको स्ट्रोक दे दिया, यानी बाउंड्री, स्ट्रोक का मतलब बाउंड्री ब्लैक। ठीक है, ये पहचान पत्र बन गया। अब हमारा जो काम है वो यहाँ रह गया है नीचे लिखने का। अब हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे एडिट से, ये ए पर क्लिक करके और ये एडिट आ जाएगा। अब हम लिखेंगे या जो भी हमें लिखना है, अब हमने इसको कर दिया ओके। अब ये हमें साइज़ बड़ा आ रहा है तो इसे हम साइज़ पे जाकर छोटा कर लेंगे, ये अभी भी बड़ा है, हमें और साइज़ छोटा करना पड़ेगा। ये यहाँ से छोटा होता जाएगा जितना भी हमें छोटा करना है। ये हो गया हमारा सेट। अब हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो फिर से कलर पे जाएंगे और जो चाहे कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं। हमने मैंने ब्लू कर दिया। अब हम जो है इसका स्ट्रोक लगा देंगे, स्ट्रोक लगाया हमने इसको, स्ट्रोक यानी बॉर्डर। ये देखिए हो गया हमारा रेडी, हमारा पहचान पत्र तैयार। अभी हमें यहाँ पर जो भी हमें प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर के लिए लेना है तो फिर से एक टेक्स्ट ऐड करेंगे बॉक्स और यहाँ पर हम लगा देंगे, इसमें लिख देंगे, एडिट कर देंगे प्रधान अध्यापक। हस्ताक्षर ये हो गया हमारा ओके। इसको हम कलर कर देंगे रेड ही कर देते हैं, इसको हम बॉर्डर कर देंगे, चाहे तो नहीं चाहे तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल टोटली हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि हम इसको कितना सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सुंदर सा आई कार्ड मोबाइल पर ही बनकर तैयार हो गया है। अब इसे देखते हैं सेव करने कैसे करना है। सेव करने के भी दो तरीके हैं। ये जो आइकन बना है इस पर टैप करके दो चीज़ें आ रही हैं,
सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज। सेव एज इमेज करते हैं तो यहाँ ये सेव टू गैलरी अगर दबाएंगे तो वहाँ सेव गैलरी में हमें ये मिलेगा पिक्सल लैब के फोल्डर में। इसकी हम जो है साइज़ इमेज फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से साइज़ में हम इसे सेव करेंगे। अब इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे ये 1280 साइज़ है तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं एडिट। दूसरा तरीका है ये सेव एज प्रोजेक्ट। अब क्योंकि हमें एक ही बच्चे का नहीं बनाना है, हमें बहुत सारे बच्चों का बनाना है, तो हमें इसे एज ए प्रोजेक्ट चेंज सेव करना होगा क्योंकि हमें ये फ़ोटोज़ चेंज करने होंगे इस पर। तो हम इसे सेव एज प्रोजेक्ट में सेव कर देंगे और इसका नाम लिख देंगे पहचान पत्र। तो ये इस नाम से सेव हो जाएगा और इन फ्यूचर हमें अगर देखना हो तो हम यहाँ पर जाकर ये ओपन PLP फाइल में से देखेंगे। जैसे मेरे पुराने हैं, जैसे ये है, तो मैंने इसको ओपन किया ये मेरा ओपन हो गया है और मैं इसमें चेंज कर सकती हूँ। जैसे ये फ़ोटो है, मैंने इसे डिलीट किया और मैं यहाँ पर इसकी जगह कोई भी नई फ़ोटो लगा सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम ये आई कार्ड जो है बनाने का काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी साथियों को ये टेक्निक अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो और आप लोग भी कोशिश करिए ये आईडी कार्ड बनाने की, और बनाकर अगर मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। साथियों, नई सीखने की जो खुशी होती है वो अपने आप में स्पेशल होती है, तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी ये ट्राई करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई टेक्निक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।